मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरसी सी एजु हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, अपना जो पाठ चल रहा है वो पद्य भाग का पाठ है, बार बार चल रहा है। ग्राम स्तरीय कविता, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कवि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रची गई कविता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र का वर्णन किया गया है, गाँव के हरे भरे भूभाग का, गाँव की खेती का, पेड़ पौधों का बहुत ही रोचक तरीके से वर्णन किया है। कवि का जन्म सन 1900 में हुआ था और मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई थी। बच्चों, हमने कविता की कुछ पंक्तियां पिछली क्लास में पढ़ ली हैं, नेक्स्ट पंक्तियां हैं, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लग गई अमृतरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाले, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरभेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। इन पंक्तियों में कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है, जिसमें आम के पेड़ों पर बोर आ गए हैं, जिससे आम के फल लगते हैं। पतझड़ ऋतु में ढाक पीपल और अन्य वृक्षों के पत्ते झड़ने लगते हैं। वसंत ऋतु में कोयल अपने मधुर स्वर से सबका मन मोह लेती है और कटहल खेतों में अपनी खुशबू फैला देते हैं, वातावरण को सुगंधित कर देते हैं। और जामुन के पेड़ पर जामुन का जो फल होता है वो आधे कच्चे आधे पक्के, इस प्रकार से उस पेड़ की सुंदरता को ये पूरे वातावरण को और भी सुशोभित करते हुए दिखाई देते हैं। झरबेरी, जिस पर बेर का फल लगता है, एक वृक्ष है झरबेरी, वो भी बेरों से लद चुके हैं और खेतों में अन्य प्रकार के फल तथा सब्जियां उगाई हैं, उन सभी का वर्णन कवि ने इन पंक्तियों में किया है। देखो बच्चों, अब रजत क्या होती है? चांदी या चांदी के रंग का। यहाँ पे वृक्षों का वर्णन किया गया है, पेड़ पौधों का वर्णन किया है, तो यहाँ पे चांदी का उद्देश्य चांदी के रंग का है। स्वर्ण सोना, स्वर्ण का तो जाएगा बच्चों सोना। लद गई आम्र तरु की डाली, तरु वृक्ष, आम्र आम। कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु में आम के पेड़ की डालियां चांदी तथा सोने के रंग के रूप में बोर से लदे गई है। आम का जो बोर होता है, जिस पर आम का फल लगता है, वसंत ऋतु में आम की डालियां उस बोर से लदे चुकी हैं। झर रहे ढाक पीपल के दल, दल का अर्थ होता है बच्चों पत्ते, पीपल तथा अन्य वृक्षों के पत्ते झड़ने लगते हैं। हो उठी कोकिला मतवाली, कोकिला कोयल होती है और मतवाली मधुबोस। कवि ने कहा है कि वसंत ऋतु में कोयल जब कूकती है, बोलती है, तो वह मधोस होकर सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी मधुर कूक से सबका मन मोह लेती है। उसकी जो वाणी होती है, उसका स्वर होता है, वह बहुत ही मधुर होता है। महके कटहल, कटहल की खुशबू, कटहल की महक पूरे वातावरण में फैल चुकी है, जो संपूर्ण वातावरण को सुगंधित कर रही है। मुकुलित जामुन, मुकुलित का अर्थ होता है आधे कच्चे और आधा पक्के, आधे खिले आधे बिना खिले। आधा कच्चा और आधा पक्का।
मैके कटहल मुकुलित जामुन। कटहल के मैक पूरे वातावरण में फैल चुके हैं और जामुन के पेड़ पर जामुन के फल आधे कच्चे और आधे पके फल उस वातावरण को या उस प्रकृति की शोभा को और भी अधिक बढ़ा रहे, उसे सुशोभित कर रहे हैं। जंगल में जरबेरी झूली। जरबेरी एक वृक्ष होता है जिस पर बेर के फल लगते हैं। जरबेरी एक वृक्ष होता है जिस पर बेर के फल लगते हैं। झूली झूलने लगे अर्थात जंगल में जो जरबेरी का वृक्ष है उस पर बेर लग चुके हैं, बेर आ चुके हैं। फूले आड़ू नींबू दाड़िम। दाड़िम का अर्थ होता है अनार। आगे कभी खेतों में उग आई फल तथा सब्जियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि खेतों में आड़ू नींबू अनार आलू गोभी बैंगन तथा मूली आदि फल सब्जियां उगे आई हैं, जिससे खेत बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अब बच्चों इन पंक्तियों में यहाँ पे बताया गया है आम के बसंत ऋतु में आम के वृक्ष पर जो बोर लगती है उनसे पता चलता है कि अब आम के वृक्ष पर आम के फल लगने वाले हैं। पतझड़ ऋतु में डाक और पीपल के पत्ते झड़ने का वर्णन कवि ने किया है। कोयल की मधुर कूक का वर्णन किया है कि वह सबके मन को मोहित कर लेती है। जामुन के पेड़ पर आधे कच्चे और आधे पक्के जामुन वहाँ की शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं। जरबेरी के वृक्षों पर बेर के फल लग चुके हैं और खेतों में अन्य प्रकार के फल तथा सब्जियां उगे आई हैं। धन्यवाद।